गाइस, मैं हूं छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। मुझसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि डिलीवरी होने के बाद अपनी प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ वापस कैसे लाई जाए। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 मैजिकल एक्सरसाइजेस व्हिच हेल्प्ड मी रीगेन माय प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ एंड आल्सो हेल्प मी गेट बैक टू माय प्री प्रेगनेंसी वेट एंड आल्सो हेल्प्ड मी इन हिटिंग द जिम फुल टाइम आफ्टर माय डिलीवरी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये चारों एक्सरसाइजेस आप बहुत आसानी से अपने घर में रहकर कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई स्टार्टेड डूइंग वाज वॉकिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे कि घर के अंदर वॉकिंग कैसे कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट आई डिड। क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो बिगिनिंग में वैसे भी बहुत ज्यादा चलना वॉज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज द स्टिचेस यूज टू पेन एंड आई हैडन्ट कम्प्लीटली हील्ड। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत चलना ऑल्सो हेल्प्स इन द हीलिंग प्रोसेस। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बेडरूम से किचन तक, किचन से बेडरूम तक, बेडरूम से बाथरूम तक और इसी तरह घर के कुछ चक्कर लगाने रोज शुरू कर दिए दिन में कई बार। एंड आफ्टर आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल बेटर और जब मेरा स्टैमिना थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ तो मैं अपने अपार्टमेंट की फ्लोर पर ही कॉरिडोर में वॉक करती थी। एंड इट्स ओनली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स व्हेन माय स्टिचेस हैड कम्प्लीटली हील्ड एंड व्हेन माय डॉक्टर हैड गिवन मी अ गो अहेड दैट आई स्टार्टेड गोइंग डाउन टू द बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है और आप कितना हील हो चुकी हैं, आप धीरे धीरे वॉक लेना शुरू कर सकती हैं। द सेकेंड मैजिकल एक्सरसाइज विच आई स्टार्टेड डूइंग प्रिटी अर्ली आफ्टर माई डिलीवरी वॉज प्लैंक्स। अब प्लैंक्स कैसे मैंने शुरुआत की वो एक बहुत स्टेप बाय स्टेप जर्नी है जो मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। यू विल सी द थंबनेल हियर एंड यू विल सी अ लिंक ओवर हियर, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे मैंने प्लैंक्स करना शुरू किया था। आई स्टार्टेड विद कीगल्स एंड देन स्लोली मूव अहेड टू प्लैंक्स। प्लीज वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ आई डिड इट। बिफोर आई टेल यू द थर्ड मैजिकल एक्सरसाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद छवि और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। सो द थर्ड एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स। नाउ स्क्वाट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन वेरियस डिफरेंट वेज, लेकिन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट आफ्टर द डिलीवरी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक हो जाती है बिकॉज यू बीन कैरिंग सो मच वेट अराउंड योर मिडरिफ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आप पूरे बेबी का वेट कैरी करती हैं तो लेग्स की मसल्स भी बहुत ज़्यादा लैक्स हो जाती हैं एंड द बैक इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव एट दिस पॉइंट। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा बैक को इम्पैक्ट करे एंड स्क्वाट्स इफ डन रॉन्गली कैन इम्पैक्ट योर बैक। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप स्क्वाट्स की शुरुआत करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड। आई आस्क्ड माय डॉक्टर रिपीटेडली टिल द टाइम ही टोल्ड मी यस छवि यू कैन नाउ गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग स्क्वाट्स। आई वॉज वेरी ईगर। सो या आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पर हूँ बट द डेमोन्स्ट्रेशन दैट आई विल गिव यू राइट नाउ इज वॉट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ माई डिलीवरी। सो फीट शोल्डर विथ अपार्ट एंड जस्ट गो डाउन। बहुत ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ लिटिल बिट इज फाइन। एंड वेन यू कम अप प्रेस योर हील्स अगेंस्ट द फ्लोर एंड कम अप। और मैं क्या करती हूँ, वेन एवर आई कम अप आई ऑलवेज स्क्वीज माई बट एंड आई गिव अ स्लाइट थ्रस्ट फॉरवर्ड। सो डाउन एंड स्क्वीज एंड थ्रस्ट, डाउन एंड स्क्वीज एंड थ्रस्ट, डाउन एंड स्क्वीज एंड थ्रस्ट। ऑल्सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप ऐसे नीचे स्क्वाटिंग पोजिशन में जाते हैं सो योर नीज जो हैं वो टोज के आगे नहीं जाने चाहिए एंड इवन इफ यू कैन जस्ट गो दिस मच और वट एवर इज योर कम्फर्टेबल पॉइंट टू दैट। एंड वेन आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स आई लिटरली कुड नॉट गो टू लो। सो जितना मेरी बॉडी की कैपेसिटी थी मैं सिर्फ उतना ही जाती थी एंड आई स्टार्टेड विद जस्ट 10 रेप्स अ डे। The last exercise that I want to talk about is push-ups. Push-ups is an extremely advanced form of exercise. कुछ लोग समझते हैं कि push-ups warm-up करने के लिए अच्छा है but I want to say कि push-ups के लिए बहुत ज़्यादा upper body strength की ज़रूरत होती है and that is really a very complex form of exercise. But the good thing is कि अगर आप push-ups ठीक से करेंगे तो it works on various different muscles of your upper body. It works on your arms, it works on your chest, it works on your back, your shoulders. इट्स अ मैजिकल एक्सरसाइज अनडाउटेडली। लेकिन हर किसी के लिए पुशअप्स करना आसान नहीं होता, स्पेशली
पोस्टपार्टम, तो मैंने भी ये रियलाइज़ किया था कि जबकि मैं प्रेगनेंसी से पहले बहुत अच्छे से कन्वीनियंटली पुशअप्स कर लेती थी, डिलीवरी के बाद मुझे पुशअप्स करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, बिकॉज यू नो योर ब्रेस्ट फीडिंग एंड योर आर्म्स आर ऑल्सो मसल्स पूरी लैक्स हो चुकी होती हैं. सो स्लोली स्लोली आई नीडेड टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ. सो हियर्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग माई पुशअप्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट पोस्ट द डिलीवरी. सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डूइंग अ पुशअप इज फर्स्ट यू कम लिटरली ऑन ऑल फोर्स, ओके, और जब नीचे जाएंगे तो सिर्फ अपर बॉडी नीचे जाएगी. सो यू टेक द वेट ऑन योर आर्म्स एंड बैक. And when this starts to feel easy, तो फिर थोड़ा सा take your knees back and make your upper body in one line, okay, in a straight line, and then do the same thing. Breathing is also important. नीचे जाते हैं तो breathe in, ऊपर आते हैं तो breathe out. So this is how I started doing push-ups post-pregnancy. Post-pregnancy full push-up is not advisable immediately. इसलिए मैंने modified push-up से शुरुआत की, because when you do a full push-up, then it has an impact on the lower back and as well as on your stomach. So those are two body parts that you don't want to exert at this point. इसलिए modified push-ups is the best way to start. So guys, I hope कि आपको भी इन exercises से उतना ही फायदा हो जितना कि मुझे हुआ. And I just want to say that I call these exercises magical because they truly are. They give you a complete full body workout. और हो सकता है आपको ये करते टाइम ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. वेल यस, ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रिलीजियसली करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे जैसे कि मुझे दिखे. On that note, I'd like to sign out, but please don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. There is a lot of my post-pregnancy experience and my fitness experience that I want to share with all of you. If you want to be a part of my journey, don't forget to subscribe. This is me signing out. Love and peace from me to you.